नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। 24 देश, 130 से ज़्यादा विषय, 4500 से ज़्यादा व्याख्यान। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पंडित विजय शंकर जी की, जो बहुत जल्द रीवा में आने वाले हैं। उनका प्रवचन होगा मानस भवन में। हम इसी संबंध में बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं मानस भवन के अध्यक्ष अनुपम तिवारी जी से। हम उन्हीं से जानेंगे किस तरीके का आयोजन है और क्या है पूरी रूपरेखा कार्यक्रम की। मुझे आपको जानकारी देते हुए बहुत ही प्रसन्नता और हर्ष का अनुभव हो रहा है कि देश विदेश, देश दुनिया में जाने माने और जाने वाले सुप्रसिद्ध संत पंडित विजय शंकर मेहता जी का एक अभिनव कार्यक्रम रीवा को हम लोगों को प्राप्त हुआ है। और जाने माने जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता जी 3 जनवरी से 9 जनवरी तक रीवा में रहेंगे। मानस भवन रीवा में उनका श्रीमद् भागवत कथा की 7 दिवसीय अमृत वर्षा वो अपने मुखारविंदों से करेंगे। और मुझे बहुत ही प्रसन्नता है इस बात की कि एक ऐसे संत जो धर्म और आध्यात्म को एक नवीन तरीके से, एक नए तरीके से जीवन प्रबंधन के साथ मिलाकर, और जिन्होंने विश्व का अनूठा एक शांतम ध्यान केंद्र उज्जैन में स्थापित किया है, ऐसे संत रीवा में रहेंगे। और रोज़ प्रतिदिन 3 से 6 दोपहर को उनका व्याख्यान श्रीमद् भागवत कथा की जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा मानस भवन में होगी। गोल्डन बुक में नाम होना अपने आप में बड़ी बात है। अवधेशानंद जी के परम शिष्यों में से एक विजय शंकर मेहता जी का रीवा आना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। रीवा का जनमानस उससे निश्चित रूप से एक नया लाभ उठाएगा, अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए जो भी जरूरी वो चीज़ें बताएंगे उसका अनुसरण करेगा।